नीतीश सरकार बड़े फैसले विवादित बयान। बिहार की राजनीति में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हो सकता है कि नीतीश बाबू अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए ऐसा कर रहे हो। अब भला ये तो जाहिर है, नीतीश बाबू पीएम की कुर्सी पर विराजमान होने के लिए कितने बेताब हैं। उनके समर्थक कभी मंदिरों में पूजन हवन करते हैं तो कभी दरगाह में चादर पोशी। खैर, फिलहाल तो बिहार में छुट्टियों को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से एक और कैलेंडर जारी कर दिया गया है। बता दें कि बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के लिए एक साथ दो कैलेंडर जारी किए, जिसमें उर्दू स्कूलों के लिए अलग कैलेंडर है और जो गैर उर्दू कैलेंडर है उनके लिए अलग अलग छुट्टियों को लेकर कैलेंडर बनाया गया है। और ये पहला मौका है जब एक साथ दो दो कैलेंडर स्कूलों में जारी किए गए हों। बिहार में पहली बार स्कूलों के लिए जारी हुए दो कैलेंडर, जो दूसरे कैलेंडर है उसमें ये दिख रहा है कि मुस्लिम त्योहारों में छुट्टियों की तादाद कम की गई है। दोनों ही कैलेंडर में अलग अलग छुट्टियां। बता दें कि पहले सिर्फ उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी होती थी, लेकिन अब जो दो अलग अलग कैलेंडर सामने आए हैं उसमें अलग अलग छुट्टियों का प्रावधान कर दिया गया है। उर्दू स्कूलों में ईद की छुट्टी 3 दिनों की, जबकि गैर उर्दू स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी कर दी गई है। तो दूसरी तरफ बकरीद पर उर्दू स्कूलों में 3 दिन की, जबकि गैर उर्दू स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी कर दी गई है। वहीं छठ पूजा को लेकर दोनों कैलेंडर में एक जैसी छुट्टी दी गई है। जो उर्दू स्कूल है इसमें मुहर्रम पर 2 दिन तो वहीं गैर उर्दू में 1 दिन की छुट्टी होगी। इसके साथ ही छठ पूजा पर दोनों कैलेंडर में 3 दिन की छुट्टी शामिल की गई है। दूसरी तरफ जो हैरान कर देने वाली बात है वो ये कि गैर उर्दू स्कूलों में रक्षाबंधन, तीज और जितिया की कोई छुट्टी नहीं होगी। इन छुट्टियों की कटौती कर दी गई है। 27 नवंबर की तारीख में ही दोनों कैलेंडरों को जारी किया गया है। अब शिक्षा विभाग के कैलेंडर पर सियासी बवाल हो रहा है। बता दें कि इसके पहले बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जब एक ही कैलेंडर जारी किया था तो सरकार निशाने पर आ गई थी। बीजेपी के कई नेताओं ने निशाना साधते हुए कहा था कि नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दे। साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर तुष्टिकरण का भी आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल के लिए छुट्टियों के कैलेंडर में इसकी झलक दिख रही है। हिंदुओं के त्योहारों पर छुट्टियां रद्द कर दी गई और ईद पर 3 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया। वहीं सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार हिंदुओं को जातियों में बांटने और अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण से वोट की राजनीति में लगे हैं। अब जेडीयू और आरजेडी ने क्या जवाब दिया? बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए 2024 की छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर बीजेपी के वार पर अब जेडीयू और आरजेडी ने पलटवार कर जवाब दिया है। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव पर शिक्षा विभाग स्पष्टीकरण देगा। उन्होंने ये भी कहा कि छुट्टियों पर राजनीति ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने कहा है कि शबे बारात की छुट्टी घटाई गई है, बीजेपी इस पर क्यों नहीं बोल रही। वहीं आरजेडी ने कहा कि बीजेपी छुट्टियों को भी धर्म के चश्मे से देख रही है, इस पर राजनीतिक ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू विद्यालयों की छुट्टियां भी इस कैलेंडर में शामिल है। अब देखिए, कैलेंडर दो दो गैर उर्दू स्कूलों के लिए, उर्दू स्कूलों के लिए। लेकिन सवाल ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या इस तरह की छुट्टियां देकर आप बच्चों में हीन भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या इसके पीछे वाकई कोई सियासी टर्म्स एंड कंडीशंस नीतीश बाबू ने रखी है? खैर, अब इसके बाद बवाल उठा है, बवाल कहां तक जाएगा ये देखना है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।